हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट वर्क एनर्जी का। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक मैन जो वॉल को पुश कर रहा था तो उसका वर्क कितना आया था, जीरो आया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी वॉल जो थी वो मूव नहीं हुई थी। आज हम पढ़ रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एम इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर एम होता है मास ऑफ द बॉडी, जी होता है ग्रेविटी और एच होती है आपकी हाइट इन मीटर। राइट स्टूडेंट, तो वर्क डन एट सर्टेन एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसे हम ऑब्लिक्यूली भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इन टू एस, जहाँ पे एफ होता है आपका फोर्स, एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट और थीटा वो एंगल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली से वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है आपकी बॉडी। नाउ अगर आपको वर्क डन निकालना है एक सर्टेन एंगल पे, तो वर्क डन एट सर्टेन एंगल पे निकालने का फॉर्मूला तो ये लगेगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इन टू एस, बट यहाँ पर थीटा पुट होगा आपका 90 डिग्री, और आप लोग जानते ही हैं कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो वर्क डन एक राइट एंगल पर जीरो आएगा। इसी वजह से अगर एक बॉडी आपकी कभी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो वर्क डन हमेशा आपको क्या आएगा स्टूडेंट्स, जीरो आएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क की, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा कब, जब फोर्स आपकी उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। राइट स्टूडेंट, तो वर्क डन इज नेगेटिव जब आपकी फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट आपको मूव करना है। राइट, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स आपकी मोशन के राइट एंगल पे लगेगी, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें अपना नया टॉपिक एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब आपको पता ही है, द एबिलिटी टू वर्क। राइट स्टूडेंट, द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक, तो जितना आपको वर्क करना है उतनी आपको एनर्जी चाहिए, या जितना आपके पास एनर्जी है उतना ही आप वर्क करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी और वर्क हमेशा क्या रहते हैं, इक्विवेलेंट रहते हैं, इक्वल रहते हैं। राइट, एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट भी आपकी जूल होती है। 1 किलो जूल आपके 1000 जूल के इक्विवेलेंट होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप देख पा रहे हैं, तो आप देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होती हैं। उसमें जो मेन आपको दो एनर्जी पढ़नी है अपने कोर्स में, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब भी बॉडी के अंदर मोशन होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम होता है आपका मास, वी होती है आपकी वेलोसिटी। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है आपकी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो बांक होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा जीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यहाँ तक आप पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। कीप लर्निंग, हैव जिज्ञासा, ऑल द बेस्ट।